नमस्कार दोस्तों, IFMS 3.0 पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन ऑप्शन है जो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जैसे हम टिक करेंगे तो यहाँ नीचे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन है, इसके ऊपर हम टिक करके आप कार्मिक की पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल, पे एंटाइटलमेंट इत्यादि जो ऑप्शन क्रमानुसार शो हो रहे हैं इनके ऊपर टिक करके हम कार्मिकों की डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जैसे टिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टिक करने के बाद में हमारे कार्यालय के अधीनस्थ जितने भी कार्मिक कार्यरत है उन सब की यहाँ लिस्ट है जो शो हो रही है। अगर आप एक एक करके भी किसी कार्मिक को ढूंढना चाहते हो तो आप नाम के सामने या एम्प्लॉई ID ग्रुप वाइज या ऑल करके आप सर्च कर सकते हो और यहाँ पे कार्मिकों की लिस्ट शो होगी। और जिस कार्मिक की आप डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ नीचे एक्शन के सामने मॉडिफाई लिखा है उसके ऊपर टिक कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले हमें कर्मचारी की फ़ोटो है वो अपलोड करनी होती है, फिर एम्प्लॉय का कोड, जन आधार ID, मेंबर ID, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, ब्लड ग्रुप, एजुकेशन मार्क, फादर नेम, मदर नेम, ये कुछ डिटेल है जो दोस्तों आपको पे मैनेजर से फेच मिलेगी। और जो डिटेल नहीं है वो आप इसके अंदर भर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आप आधार कार्ड, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट, जॉइंट फोटोग्राफ, मेरिज सर्टिफिकेट, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, चूज फाइल के माध्यम से दोस्तों आप एड प्लस ए न्यू डॉक्यूमेंट करते जाएँ दोस्तों, जिसके अंदर फोटो JPEG फाइल में और बाकी PDF। और दोस्तों ये साइड में लेफ्ट साइड में सबमिट का ऑप्शन है या सेव का ऑप्शन है, इस पर टिक करते जाएं। फिर बाद में दोस्तों कर्मचारी की सर्विस डिटेल है और जिसके अंदर दोस्तों सर्विस डिटेल में सर्विस स्टेटस, सब सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय टाइप में एक्टिव और सर्विस कैटेगरी में वो कौन सी है, सेंट्रल है या स्टेट सर्विस है, सब सर्विस कैटेगरी आपको भरना है, कैडर भरना है। और दोस्तों कई डिटेल है, ज्वाइनिंग डिटेल है और दोस्तों परमानेंट डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट, डेजिगेशन और दोस्तों अपॉइंटमेंट के समय कौन सा दोस्तों पद था, कब ज्वाइनिंग की थी, समय, दोस्तों ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर भरनी है। और जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, कन्फर्मेशन ऑर्डर, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ज्वाइन करते वक्त जो एप्लीकेशन दी थी, ये सब का दोस्तों PDF बना के हमें प्लस एड ए न्यू डॉक्यूमेंट और सेव करते जाना है दोस्तों और सबमिट करते जाना है। और आगे की जो दोस्तों डिटेल है, एड्रेस है, एड्रेस भी हमें जो दोस्तों करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो सेम रख दे, अलग अलग है तो अलग अलग करके दोस्तों सबमिट कर देना है। और इसके साथ भी फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल भी मॉडिफाई आप कर सकते हो, जिसके अंदर इसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, रिलेशन में क्या है वो आपका लगता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है दोस्तों, और उसका जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, जन आधार ID जो भी है दोस्तों वो आपको अटैच करनी है। और इसके बाद में जो जो आपकी स्कीम है, आप किस किस स्कीम है उसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, कितना परसेंटेज शेयर देना चाहते हो दोस्तों, ये सारी डिटेल आपको सेव करनी है और सबमिट करनी है। इसके बाद में दोस्तों पे एंटाइटलमेंट का ऑप्शन है, उसके ऊपर टिक करके आप कर्मी की जो पे है, डिडक्शन अलाउंस इत्यादि मॉडिफाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कार्मिक का लेवल शो होगा और जो बेसिक है इत्यादि डिटेल्स होगी, जिसके अंदर आप कुछ भी अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अगर आप कुछ कमेंट करके पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।